टाइम बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, इस पॉइंट वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है मिनिमम। ये वाला जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है मिनिमम, हमने ये प्रूव करना है। ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है मिनिमम। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको वाई के बराबर लेट कर लेंगे, एक्स की पावर एक्स। अब देखो अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए इसका डेरिवेटिव लेने का अपना ही तरीका। सबसे पहला स्टेप टेकिंग बाय लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग बाय नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लॉग लगा देंगे और बच्चों इस तरफ भी लॉग लगा देंगे। और ये लॉग की बेस के ऊपर पावर है, लॉग पावर शुरू में ले आएगा, लॉग पावर बच्चों शुरू में ले आएगा। अब इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर बेस, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे वन, एक्स एक्स के साथ कैंसल, वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स। और वाई इधर क्या है डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मजीद वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, मजीद वाई की वैल्यू, वाई किसके बराबर है एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स आ गया वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ये था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या फाइंड करेंगे पॉइंट फाइंड करेंगे, ये वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। अब डेरिवेटिव को सो डेरिवेटिव इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे जीरो के बराबर, एक्स की पावर एक्स वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स, और ये वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी इक्वल टू जीरो, वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू जीरो, और ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड, डिवाइड होके क्या हो जाएगी जीरो, और ये प्लस का वन है उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का वन। अब हमें पता है नेचुरल लॉग ई किसके बराबर है वन के बराबर, नेचुरल लॉग ई किसके बराबर है वन के बराबर है, नेचुरल लॉग एक्स यहाँ पर वन की जगह पर क्या पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ई, और ये माइनस है ये बेस की पावर बन जाएगी, ये माइनस बेस की पावर बन जाएगी, लॉग लॉग के साथ कैंसल, बच्चों आंसर क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वन, और नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, ये पॉइंट निकाल लिया। और ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है मिनिमम, हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया, वो कौन डिसाइड करेगा सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स। और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहां पर कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पर डी के ऊपर स्क्वायर और एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या हमारे पास एक्स की पावर एक्स है, एक्स की पावर है वन का डेरिवेटिव जीरो, लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हमारे पास बच्चों, ये जो उनका डेरिवेटिव है किसका एक्स की पावर एक्स का है,
एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स आ गया, वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स, और ये होल का स्केयर एक्स की पावर एक्स आ गया। ये था हमारा डी के ऊपर स्केयर और एक्स के ऊपर स्केयर। अब ये जोन सा पॉइंट है किसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। बच्चों ये जोन सा पॉइंट है किसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। एक्स इक्वल टू वन ओवर ई सेकंड डेरिवेटिव के अंदर लाइन लगाकर एक्स इक्वल टू वन ओवर ई, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, वन ओवर ई, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, वन ओवर ई पुट कर देंगे। वन ओवर ई, वन ओवर ई, वन ओवर ई, वन ओवर ई, ये वन ओवर ई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, प्लस वन प्लस। और देखो ना लॉग के साथ ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। लॉग क्या करेगा, माइनस कर देगा, लॉग क्या करेगा, माइनस कर देगा, नेचुरल लॉग ई ऊपर होल का स्केयर, वन ओवर ई की पावर वन ओवर ई, वन ओवर ई की पावर वन ओवर ई, ई आ गया प्लस वन। देखो नेचुरल लॉग वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर। नेचुरल लॉग ई किसके बराबर है, वन के बराबर, वन ओवर ई की पावर वन ओवर ई। और ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या आंसर आ गया यहाँ पर, जीरो। इस पूरी टर्म को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया वन ओवर ई की पावर वन ओवर ई, सात आ गया ई। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या, द फंक्शन, द फंक्शन हैज मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन ओवर ई। ये बात हमने प्रूव करनी थी, ये जो उनसे एक्स इक्वल टू वन ओवर ई, एक्स इक्वल टू वन ओवर ई इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मिनिमम। ये बात हमने क्या करवानी थी, प्रूव। ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया, हंस प्रूव डैट, हंस प्रूव डैट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सामने के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।